बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई खैर खैरियत होंगे जी। आज के ब्लॉग का आगाज़ करें तो ब्लॉग जो है ना वो हमने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। कुछ बहन भाइयों ने कहा है कि निसरुल्लाह भाई आप बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ बहन भाइयों ने हमें निशाने पर लिया तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें जो है ना वो हमारी असलाह की, उनका बहुत बहुत थैंक्स। और इसके अलावा देखें, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बहन भाई हमें वॉच करते हैं यकीनन वो जो है ना हमें सपोर्ट भी करते हैं और हमारी असलाह भी करते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। तो दूसरी बात ये है कि देखें, मेहनत करनी चाहिए तो जो है वो जो इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला भी उसी का साथ देता है, अल्लाह ताला भी उसे जो है ना वो बहुत कुछ देता है। लेकिन किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत कहना और किसी को टारगेट करना, यानी उसके बारे में मुख्तलिफ क्या सराइयाँ करना कि ऐसे हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा हो सकता है और ये सब कुछ जो है ना वो फलां फलां होगा, तो देखें ये सब ख्याली पुलाव है, ठीक है ना। तो यानी मेरा जो है ना वो अल्लाह ताला जिसका साथ देता है ना तो वही इंसान जो है वो कामयाब होता है, वही इंसान अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचता है। तो बातें करने वाले तो बातें करते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। हम उसके मतलब देखें, मैं छोटा सा था तब से लेके अब तक जो है वो अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत ही नेमतों से नवाजा है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जो है वो नेमतें दी, सलाहियतें दी, इतनी यानी कि सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे दिया, मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बातें करने वाले तो करते हैं, देखें उनका हर किसी का अपना अपना अंदाज़ होता है, तो मैं तो फिर वही बात करूँगा कि मेहनत करो और जितनी हो सके वो मेहनत करनी चाहिए। चलें जी, ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें होगी तो उम्मीद है कि मेरे उन बहन भाइयों को जो मेहनत करते हैं उनको ये बातें यकीनन बहुत अच्छी भी लगी होंगी। तो जी हमारे साथ रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मूलियां दो पटते हैं तो बच्चे अज इतवार है, मैं कहता सली ना नाश्ता बनाने तो मूलियां ने परांठे बना के देंगे बच्चे ने। हम मोटियां जो दो सौ दो मूलियां पट के लैके आए हैं, थोड़ा जहाँ किन्नी किन्नी उपर जी है ना नमी पई हुई है, बाकी इतने किन्ने रखी है ज्यान ने, इन्नी दूर कि पहुंच गया पानी किन्नी तरीला पाला लगता है। खिचो दो मूलियां काफी नी, बाहर खांदा नी मूलियां, तुसी तां तने खाणा। हां बस ठीक है, दो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਮੂਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਾਂਠੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪਰਾਂਠੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋ ਮੋਟੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੱਟ ਲੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਪੱਟ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ
अच्छा मैं जरा ना बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि माशाल्लाह। हाँ जी पत्ते तोड़ लो इन्ना जरा ना देख लो माशाल्लाह किड़ी किड़ी मूली जड़ी है ना हुई है। माल्टी चक के ओ रखो जो नीचे गिराए है तू ए रख रख ए अच्छा जी मैं एक ताज़ा आटा गुन के मुर्गी वाले परांठे बनाने हैं क्योंकि जरा फ्रिज च आटा पिया होता वो फिर बनते नहीं सही परांठे टुटी जाते हैं तो ताज़ा आटा गुन लिया वा तो मुलियाँ कद्दूकश करते हैं तो बनाने हैं परांठे मुलियाँ इस साइड एक मूली मैं छिली है दूसरी मूली मैं छिलन लगी जी। ये मैंने मूलियाँ जो है ना वो अब छोटी कर ली हैं तो अब इनको धो भी लिया तो अब इसका कद्दूकश करते हैं जी। मूलियाँ कद्दूकश करके मैं पानी निचोड़ के जरा ना रख देती हूँ हूँ बेगम जाने तो बेगम का काम जाने सही है जी। बेगम सुबह सुबह आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी मेरा तो बहुत ज़्यादा काम है मैं नाश्ता बनाने तो बाद ना पहले तो मैं देखती जी पानी पा कुछ बड़ा होना साग कट कट के बिच पाना वा देखो मेरा रात का छिलिया पिया वा अज डिशा मैं रात छिल के पई इन्ना बरीकी का काम नहीं मैं तुम्हें एक गल दसा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਦਨ ਤੇ ਮਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਨ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲੂਗਾ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਕਾਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਰਾਬਾਂ ਕੈਪ ਜ਼ਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਅੱਲਾ ਕਰ अच्छा कहते ना कि बच्चे थोड़े जे बड़े हो जाए तो जरा ना यानी पहले जो छोटे होंगे ना तो कहते हैं कि रुड़न लग जाए तो फिर सुख हो जूगा फिर जो रुड़न तो फिर तुरन लगते भी सुख हो जूगा लेकिन ये तकरीबन तीन चार साल तक जाके सुख होता नहीं पता कि जो रुड़न लगता फिर भी डर ही रहता बच्चा किसी चीज़ हाथ ना मार ले कि किसी चीज़ तुरन लग गया फिर बिजली सुचा छत दें अमाजियान किसी बार शाट लगी है तो सुख नहीं हों ज्यों ज्यों बंदे की ना परेशानी बढ़ती है भी बच्चा किधर चल गया घरों बाहर निकल गया तो जो समझदार थोड़ा जहा हो गया चार पाँच साल का फिर थोड़ा सुख जैन पिछे हो जाओ जैन पिछे हो जाओ बेटा अच्छा जी लकड़ी पे चाय बन रही है और देखें साथ साथ आग सेकी भी जा रही है और इधर मूली वाले पराठे और धनिया तो पहली बार शायद बना रहे हैं लोगों ने इतनी बार बना दिया मैं तो घर से मूली मिर्च ऐड होगी हाँ जी ये धनिया डाल दिया अच्छा तो जी ये जो मट्टी पड़ी है ये लकड़ी से निकली है ये जो लकड़ी हम लेके आए हैं ना सेंक की वजह से सेंक देखें अब लकड़ी को आग लगी हुई है और यहाँ आग भी सेक सकते हैं और ये चाय ना उबर रही है उबर रही है आपकी नहीं, चाय नहीं उबर रही है बस जल्दी करें जल्दी अब तो आग भी नीचे काफी है इसी वजह से तो ये उबर रही है हाँ जी फर्स्ट पराठा जेड़ा ना पकना शुरू हो गया तो ये खाऊंगा बैठ के मैं अजे बच्चे सुपारे तो नहीं आए तो अज संडे है तो इस करके जेड़ा ना इतवार का दिन तो बच्चे जेड़े अजे तक काफ़ी लेट आते हैं इतवार छुट्टी मिलती है जी तो चाय के कप भी लिया के रख देते हैं ये नीचे थोड़ा जहा घ्यो लगा दें पहला पराठा सी ना तवे नीचे सही भी नहीं बनया चलो बच्चे सुपारा पढ़ के आ रहे हैं तो हम अभी बैठे सारे मर्जी 8 बजे
भाई नु खिलाओ, कहिंदा भाई कहिंदा मैनू खिला रोटी, ओनू भी खिलाओ रोटी भाई नू। आस्ता आस्ता तुर के आंदी ना कर, नहीं नहीं तो जिन्या आ जाती हम उम्र बच्चिया ना सारिया जाए ने, फिर सारिया तुरी आदि कदे उथे खड़ के गल कर ली, कदे उथे खड़ के जरा ना कदे किते रस्ते च रुक के दो मिनट चुंज हिला ली। मैं पुछा मैं भी तुम ये दसो भी इन केड़िया गल जे खड़ के कर लग जा कदे उ हाँ जी पक गई है, रखो छाबे च गरम गरम मूली वाला पराठा, आहा जबरदस्त, क्या ही कहना, बहुत टेस्ट है, कसम ना बहुत टेस्ट है, दिल करता कि मैं तीन पराठे खा ला। हाँ जी जी ए लहसुन छिलिया, ए मिर्च सब्ज, ए अदरक, पालक मेथी ते साग ते ए हुण पक्की जांदा वा ते शाम दी पक्केगा, फिर इहनूं कुटांगे ते हले अच्छी तरह पक जावे, ते दो तीन लकड़ियां सवेर दीआं इहदीआं खतम हो गईआं। हां जी दो तीन तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20 किलो बालण लग जाणा। अजे सुबह बच्चे तकरीबन 8 बजे सपारा पढ़ के आंदे आ, 8 बजे तो बाद ना मैं रख लेता सुपर। हां जी यार देखो सारे डंडल छिलके वगैरह इस तो ना उतारे आ, ते और मैं फोन फिर ऐसे काम लगे, पता नहीं सी तुसी विच कुतरे कि गंदला दा ही बनाया, इन्ने बगे कुतर गए ते आपा खाना कितना सी सही है, असि नरम विच बस कढ लिया। अच्छा आ देखो बादल किन्ने प्यारे जान, जान देखो किन्ना सोहना बादल लगदा, देखो रोईदा तो नहीं ना फिर। अच्छा जी ए मार सुबह दा सफाइयां कर रहा सी, ए आ थोड़ी जी जगह दी मां ने सफाई कीती है, ए पता नहीं गिल्ला क्यों है इत्थों इन्ना, ए मार ने झाड़ू लगाया वा इन्ना इन्ना मार को रह गया, मार थक गया, ते ए बाकी सारा जिहड़ा उस दिन दा मैं साफ सफाई कीती सी, ए देखो आ गेट तक। अच्छा जी आ गेट को बहुत ज्यादा कीड़े आ, हाँ देखो ना आ देखो आ कीड़े दिखाई, आ देखो किन्ने कीड़े, आ देखो अच्छा जी आ देखो इन्ने कीड़े है इत्थे, आ देखो। अच्छा जी बाहर दरवाज़ा खोल के देखते हैं ज़ियान रो रहा वा, कहिंदा वा भी अद्धा नूं मार भी नहीं हैगे ते पप्पा भी नहीं हैगा, ते मैं हुण दरवाज़ा खोल के तो ज़ियान नूं बाहर दिखांदी आ, ते दूसरी गल इह आ कि जो मिस्त्री भाई लगे सी ना बहुत ज़्यादा डस्ट मिट्टी, कभी मिट्टी वाले पैर लैके लंघ जाते थे कभी लंघ जाते थे, हूँ मैं सुबह सारा झाड़ू लगाया वा, चलो पापा को जाने तो यह देखो बिल्कुल साफ सुथरा सारा वा। अच्छा जी असी दरवाज़ा खोलिया तो आ रहे ज़ियान का पप्पा, तो ज़ियान हो रहा हूँ खुश ज़ियान ने भी बैठना है, भी ज़ियान ने भी बैठना आ, तो तुसी थापी बना लें बल्ले की जगह, बल्ला तो नहीं है बस। अच्छा जी आ मारू इन्होंने बल्ला बनवा दिता, मैं तो सुबह किया सी इहदा नहीं बनना, तो आ लो मुंडे नूं बिठाओ अगे तो ला जाओ मोटरसाइकिल अगे, तुसी तो कहिंदे सी इहदियां फट्टियां बनानियां वा, इहदियां फट्टियां बनानियां वा चार, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੋਂ ਚਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਸ ਦੋ ਹੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਨ ਨੂੰ
पहले नाई नहीं सी वेला जदों ज्ञान वेला सी छोड़ दे बेटा जदों ज्ञान वेला सी उदों नाई नहीं सी वेला ते ज्ञान भी खेलूगा ते तू भी खेल लेगा ज्ञान वास्ते ठीक आ ते फिर उस तो बाद ज्ञान जदों नाई वेला होया ते ज्ञान सो गया हुण ज्ञान सो के उठिया वा ते ज्ञान कदों दा रो रिया मार बेटा सपारे ते नहीं जाना ना नहाता ना वास्ता सारी दिहाड़ी उधर ही जाया करके आ गया चलो सपारे ते नमाज दा बाजी ने तरीका तुहानू सारा सिखाउणा चलो चलो आंधी तो है अगर कोई गलती वगैरह होगी सही हो जाएगी चलो चलो वजू करो अदन हूँ गई चल पिछे फिर साढ़े आने मैं चाय बना तो आके कोई चीज़ खा पी लियो अच्छा जी मार हूँ जाएगा सपारे चलो हमें चुक लिया वो उधर तो बहुत उच्चिया बन गई आड़े वास्ते ठीक है ना उच्ची तो चलो सही हो गया अच्छा जी आ दो फटियां बनवाई सारा दिन चज तो मेरा उधर साग देखा जाके कितने पहुंचा वा मैं क्या भी आ हूँ देख लो मिस्त्री चल गया तो किन्नी साफ सफाई है किसी पास मिट्टी नहीं किसी पास कुछ नहीं बहुत खूबसूरत घर माशाल्लाह लग रहा वा अच्छा जी दोपहर के खाने जो रात चावल बनाए थे वो कुछ गर्म किए भुख लगी हुई इस साइड से ज्यादा दूध गर्म किया वा चाय बना के हटी दो कप्पां च पा लिया कवर कर दी बच्चों वास्ते आ तो हूँ बैठ के चावल खाते हैं तो सारा दिन लंघ गया इस तरह ही तकरीबन 3 बज गए 3:30 हूँ खाने लगी दोपहर का खाना